तो क्या मिठाइयों को देखकर आपका रिएक्शन भी ये होता है? नहीं नहीं, थैंक यू। अरे कुछ नहीं, उठा लीजिए। हाँ, अब सोचना नहीं पड़ेगा, खाइए। हाँ खाइए। ये है शुगर फ्री, और इसे खाकर आप बोलेंगे कि ये तो टेस्टी है। हाँ तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है हमारे शुगर फ्री मावा पेड़ा, जो बहुत ही आसानी से सिर्फ दो चीजों से मैंने बनाए हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो मावा ले रही हूँ, प्योर मावा। देखिए सॉफ्ट मावा है, इसको हम हाथ से ऐसे ही तोड़ लेंगे। वैसे ये इतना सॉफ्ट है कि हम इसको कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखेंगे तो खुद ब खुद जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने रख दी है एक बड़ी कढ़ाई गर्म होने के लिए, और अब इसमें मैं ये मावा डाल दूंगी। और अब सबसे पहले हमें इस मावा को छोटे छोटे पीसों में टुकड़े कर देने हैं, जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से भूनते हुए हम इसमें 2 चम्मच प्योर देसी घी डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पर मैंने इलायची को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर भी चाहिए। जब ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट कर दे, तब हम इसमें ये अपना इलायची पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच के करीब मैंने ये इलायची पाउडर इसमें डाल के मिक्स कर दिया है, और इसको भूनने में टाइम लगेगा, तो हमें अच्छे से भूनना है। अच्छी रेसिपी चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए अच्छे से भूनना पड़ेगा। गैस फ्लेम को हमेशा स्लो टू मीडियम रखें, हाई बिल्कुल ना रखें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं भूनते हुए। ये देखिए इसका बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी हद तक ब्राउन कलर आ गया है। जैसे ही हम इसमें शुगर फ्री डालेंगे, तब कलर थोड़ा सा अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये कलर नेचुरल आने में और अच्छे से मावा को भूनने में मुझे 30 से 40 मिनट लगे हैं, तो इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। और ये देखिए फाइनली इसका अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको गैस फ्लेम को कर देंगे यहाँ पर बंद, और हम इसको अब रूम टेम्परेचर पे आने के लिए पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें शुगर फ्री मिलाएंगे। इसको ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पर एक बाउल में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो उसमें ये और ज़्यादा गर्म रहेगा। मैंने इसलिए एक बाउल में निकाल लिया है, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हम इसमें शुगर मिलाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद ये देखिए अंदर से ये अभी भी हल्का हल्का गर्म है। और यहाँ पर मैं स्वीटनर के लिए जिंदगी स्टेविया पाउडर मिला रही हूँ, जो 100% नेचुरल है और 0% शुगर है इसमें। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे पूरे 3 चम्मच यहाँ पर स्वीटनर डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइप से मैंने इसमें शुगर मिला दी है। अब हमने यहाँ पर एक ट्रे में बटर पेपर लगा लिया है, और इसके ऊपर हम पेड़े बनाकर रखेंगे। आप पेड़े या लड्डू जो मर्जी बना सकते हैं। जो नॉर्मल पेड़े होते हैं उनको कोई स्पेशल शेप देने की जरूरत नहीं होती, उनको इस टाइप से आप मुट्ठी से बंद कीजिए अच्छे से। ये देखिए ये आपका पेड़ा रेडी है। हम बहुत ही प्योर तरीके से बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक मावा यूज किया है और बिल्कुल नेचुरल। ये बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नेचुरल पेड़े हमारे रेडी हो रहे हैं। ये हमारे ये देखिए नेचुरल बिल्कुल शुद्ध पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और ये अब मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए आप ये सेट हो चुके हैं, तो चलिए इनको सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो अब मीठा खाने से आपको डरना नहीं है, शुगर फ्री पिस्ता बर्फी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। तो अब मार्केट की मिलावटी मिठाइयों को कहिए बाय बाय, और घर पर ही बनाइए इस रेसिपी को, बनाइए खाइए, और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।